हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी। में मेरे को पहले ये नहीं समझ आ रहा रिश्तेदारों को मेरे करियर से प्रॉब्लम क्या है, खासकर मेरे चाचा एक नंबर का भोसड़ी। मेरे पापा को बोल के गए कि इसको ऑटोमोबाइल करवा दो, उसका करियर वो एकदम से सेट हो जाएगा। अबे खुद का तुम्हारा बेटा रिक्शा चला चला के इतना पतला हो चुका, उसको खाना वाना खिलवाओ, इलेक्ट्रिक रिक्शा दिलवाओ। भाई हमारे चाचा के नाम में इतनी पावर है कि नाम लेके आपको टट्टी आ जाएगी। बस नाम उनका नीलेश है, टट्टी आ गई बहन से। उनका नाम लेते ही टट्टी आएगी ये तो पता था, पर इतनी स्मेल मारने वाली आएगी ये नहीं पता था मेरे को। चूल्हा मेरा चमकदार, हिंचक पूजा खतरनाक। अगर नया गाना आए तो उसका कहना बस एक बार। ये गान फट कर यार, फिल्मों में जैसे दिखाते नहीं है कि मेरे घर की लड़की ने एक मिडिल क्लास लड़के से शादी कर ली, उसको बोलती तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे सामने पड़ा रहेगा, घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगा। प्लीज प्लीज मेरे को बिल्कुल पसंद कर लो। कितना गंदा लग रहा था ये हरकत करते हुए। यार ये ब्लैक कॉफी पीने के बाद इतना सुसु क्यों हुआ था? यार बॉलीवुड वाले कितने हरामी किस्म के लोग हैं ना। इनका एक शो है इंडियाज गो टैलेंट का, उस शो में मिस हरनाज कौर संधू आई थी मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर। वो इतना प्राउडली उन्होंने इंडिया बोला था, इस शो में आके उनको इज्जत देना ही भूल गए जजेस। वहां वो खुद चल के जजेस के पास जा रही मिलने के लिए, थैली जैसा बंदा बैठ के बोल रहा है कि तीसरा बंदा है जो मैंने चंडीगढ़ से दिखा है। भाई अपने घुटने चला ले, जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाया पर किसी को खड़े होकर इज्जत देना नहीं सीखा इन्होंने। हनी सिंह पाजी ने लगता ठीक किया था तुम्हारे साथ, तुमको साइड पे रख के। दूसरी वाली तो अलग ही कर दी, अपनी बहन के साथ ऐसी खड़ी है वो बंदी जिसने तो भाई अपने पति को तो सीधा धक्का ही मार दिया। शादी के पहले जैसे पूछा नहीं होगा ना भाई तुम क्या काम करते हो, हम बिजनेस करते हैं। काम क्या करते हो? बहुत पैसा कमाते हैं। काम क्या करते हो? धंधा है हमारा। पर काय का धंधा? तुम शादी करना चाहती हो? हां डन। चलो जब पता चल गया कि इसका क्या धंधा है तो भाई सीधा धक्का ही मार दिया, मेरा पति नहीं है, मुझे तो अपना रेपुटेशन को बचाना है। वाह वाह वाह, ये बॉलीवुड है। वैसे तो बॉलीवुड में तो नंगा पनी बिकता है, तुमको हमारी फिल्म में सीन चाहिए, तुमको मेरी टांगों के बीच में बैठना पड़ेगा आज रात को। ये एक्चुअली बॉलीवुड में होता है, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखा है लड़कियों से बात करते हुए, मेरे सामने हुआ। बॉलीवुड का बायकॉट करना पड़ेगा अपने को मिलकर सबको। और हम लोग चाहते हैं कि पैसा देकर हम लोग टट्टी देख पसंद करते हैं। हम लोग बॉलीवुड की जितनी भी न्यूज बाहर आई है वो सब एक्टर लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाहर आई है, कभी भी बॉलीवुड के अंडरग्राउंड से बातें बाहर नहीं आई। मैं बताऊंगा ना, मैं एकदम बेसमेंट में काम कर चुका हूँ। बॉलीवुड की अगर कुछ चीजें अच्छी बन रही होंगी ना तो इनके क्रिएटिव लोग आगे पूरी फिल्म या पूरे शो की गांड मार ले। एकता कपूर मैम के प्रोडक्शन में तो लोग उसको इतना लूट रहे हैं, शो में पैसा लगा वो नजर नहीं आएगा। उनके क्रिएटिव लोग के साथ उनके एम्प्लॉयज के पास गाड़ियां वाड़ियां बंगले बंगले सब नजर आएंगे। इन रियलिटी जिस बंदे ने कभी स्कूल में आर्ट्स नहीं लिया था या कभी किसी बंदे ने पेंटिंग नहीं की, वो शो को आके संभालने की बात करते। अरे हम शो के क्रिएटिव हैं, हम आपको बताएंगे शो का क्या ब्रीफ है। नहीं नहीं, ये साइड एक्टर है, साइड पे रहने दो, मेन एक्टर दिखना चाहिए हमारा। अरे मेन एक्टर की गांड में घुस जाओ, उसकी टट्टी सूंघा करो वो दिन में बैठ के। जिस शो में क्रिएटिव ने एक मेन लीड को मेन लीड ही रखने की कोशिश की और साइड एक्टर को एकदम से हटा दिया, वो शो इतने फेमस नहीं हुए, मेरी नजर से बहुत शो गए। कई फिल्मों का तो पब्लिक ने ही जजमेंट कर दिया था। बॉलीवुड वालों की तो प्रथा है, अगर आप फेमस हो तो आपको अपने साथ काम करवाएंगे, आपके फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर आपको बोलेंगे तुम्हारा करियर हमने बनाया। निकलो भोसड़ी के यहाँ से बाहर। बेंच छाती दुखने लगी। टी सीरीज ने तो जे स्टार को बिना पूछे उसके गाने का रीमेक ही कर दिया और अपनी बारे में कॉपीराइट क्लेम भेजते हैं। घटिया लोग। बॉलीवुड वाले को पास लगता है कंटेंट खत्म हो गया, इसलिए साउथ इंडियन मूवीज में घुस के उनका भी करियर खत्म कर देना चाहते हैं। इतनी मेहनत से वो लोग इतना ऊपर आए। बॉलीवुड के लिए जितना मैंने बोला वो अभी 30-40% ही है, बाकी अंदर की बातें कभी बताएं, कभी दोबारा वीडियो बनाना करिए बनाना, इसी में सारा कुछ बकते फिरते हम। चलो मेरे अगर वीडियो पसंद आया होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को और बने रहो मेरे चैनल के साथ। बाय।